दोस्तों, आप सभी ने हाथी तो जरूर देखे होंगे और मेमथ के बारे में भी सुना या फिर देखा होगा। ज्यादातर लोगों ने मेमथ को मूवीज या फिर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। हाथी वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है। वहीं दूसरी तरफ मेमथ आज से हजारों साल पहले इस धरती के सबसे बड़े जानवरों में से एक हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा जानवर बेहतर है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होती तो इस लड़ाई का विजेता कौन बनता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसलिए इस वीडियो में अफ्रीकन बुश एलिफेंट को मेमथ के साथ कंपेयर करेंगे। एक अफ्रीकन हाथी का स्किन का कलर ग्रे होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कम संख्या में बाल होते हैं। इनके दो बड़े बड़े कान इनके दोनों कंधों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इनके कान करीब 2 मीटर बाई 1.5 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनके ये कान इनके शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकती है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़े और वजनी टेरेस्ट्रियल एनिमल है। आमतौर पर एक नर अफ्रीकन हाथी करीब 3.2 मीटर ऊंचा हो सकता है और वजन 6 टन तक होती है। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा अफ्रीकन हाथी 4 मीटर ऊंचा था और इसका वजन 10 टन से भी ज्यादा था। हाथी अपने सूंड की मदद से अपने शरीर के वजन का 3% वजन उठा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक हाथी का वजन 10 टन यानी कि 10,000 किलो है तो वो अपनी सूंड की मदद से 300 किलो वजन बड़ी ही आसानी से उठा सकता है। अब बात करते हैं मेमथ के बारे में। मेमथ हमारे धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक हुआ करते थे। ये करीब 5 मिलियन साल पहले से इस धरती पर रहा करते थे। इनकी ज्यादातर प्रजाति आज से करीब 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, जब धरती पर आखिरी आइस एज यानी कि हिमयुग खत्म हुई थी। लेकिन इनमें से कई मेमथ समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से रैंगल आइलैंड में फंस चुके थे और ये वहाँ पर करीब 3,700 साल पहले तक रहा करते थे। इसके बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। मेमथ की जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो है कोलंबियन मेमथ। एक कोलंबियन मेमथ करीब 4 मीटर तक ऊंचा हो सकता था और इनका वजन 8 टन तक हुआ करता था। लेकिन इनकी ज्यादातर प्रजाति आज के एशियन एलिफेंट जितना ही बड़े हुआ करते थे। मतलब इनकी हाइट 2.5 मीटर से 3 मीटर तक हुआ करता था और वजन करीब 5 टन तक हो सकता था। ज्यादातर मेमथ का स्किन बहुत ही मोटा हुआ करता था क्योंकि ये बेहद ही ठंडे माहौल में रहा करते थे, जहाँ का तापमान 0 से -20 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। इनका स्किन 2.5 सेंटीमीटर तक मोटा हो सकता था और इसके ऊपर करीब 50 सेंटीमीटर तक लंबे बाल हुआ करते थे, जो इन्हें ठंड से बचने में मदद करते। अब बात करते हैं हाथी और मेमथ के फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में। जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि अफ्रीकन हाथी के कान मेमथ के कान से काफी बड़े हुआ करते हैं। जहां हाथी की स्किन पर नाक के बराबर बाल होते हैं, वहीं मेमथ की स्किन पर बहुत ही ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके दांत। मेमथ के दांत साइज में काफी बड़े हुआ करते थे और ये हाथी के दांतों के मुकाबले ज्यादा घुमावदार हुआ करते थे। एक कोलंबियन मेमथ के दांत 16 फीट तक लंबे हो सकते थे, वहीं एक अफ्रीकन हाथी के दांत 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन कितना खतरनाक है। एक वयस्क हाथी के बॉडी में कई सारे बदलाव होते रहते हैं। इनमें से एक को मद कहा जाता है। इस स्थिति में हाथी के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे वो हाथी काफी आक्रामक हो जाता है और अपने सामने आने वाले हर एक चीज के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें बाकी हाथी भी शामिल है। मद के समय एक हाथी सबसे खतरनाक बन जाता है। मेमथ के बारे में यह पता लगाना कि वो कितना आक्रामक था बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ फॉसिल की मदद से किसी जीव के बर्ताव के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेमथ का बर्ताव भी आज के हाथी जैसा ही हुआ करता था। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कभी भी इन दोनों विशाल जीवों के बीच लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई का विजेता कौन बनता। अगर हम साइज की बात करें तो इस मामले में स्टीप मेमथ और कोलंबियन मेमथ अफ्रीकन हाथी से भी बड़े हुआ करते थे। साथ ही इनके दांत भी काफी लंबे थे, इसलिए अगर कभी भी स्टीप मेमथ या फिर कोलंबियन मेमथ के साथ अफ्रीकन हाथी की लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई में मेमथ की ही जीत होती। लेकिन दूसरी तरफ वुली मेमथ साइज में अफ्रीकन हाथी से भी छोटे हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर अफ्रीकन हाथी की ही जीत होती। लेकिन यह लड़ाई पूरी तरह से सिर्फ इनके साइज और ताकत पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह लड़ाई किस जगह पर हो रही है उस बात पर भी निर्भर करती। क्योंकि अगर उस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा होता तो इससे अफ्रीकन हाथी को फायदा पहुंचता, लेकिन वही अगर तापमान कम होता तो मेमथ को फायदा पहुंचता। आपके हिसाब से इस लड़ाई का विजेता कौन बनता, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वही अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक पर क्लिक करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।